जय हिंद दोस्तों। दोस्तों बहुत कुछ मैंने देखा हूँ। हमारे जितना भी गार्ड है या नया भर्ती करना चाहता है या अभी जो गार्ड ड्यूटी कर रहा है, उनके बारे में आज कुछ चर्चा आप लोगों के साथ में मैं करना चाहता हूँ। एक गार्ड का जो ड्यूटी जो है बहुत नॉलेज होना चाहिए, और हमारे जो सिक्योरिटी जो सेक्टर जो है इसके अंदर पे बहुत अलग तरीके का ये नॉलेज है। जो सिक्योरिटी गार्ड कर रहा है 2-3 साल से जो पकड़ के जो ड्यूटी कर रहा है, तो उनको पता है यहाँ पे किस तरीके से ड्यूटी करना पड़ता है। अलग अलग साइट है, कंस्ट्रक्शन का साइट अलग है, होटल का साइट अलग है, हॉस्पिटल का साइट अलग है। अलग अलग साइट के साथ, अलग अलग आपका प्लेस के साथ, अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशन जो है हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीज जो है नॉलेज जो होता है, तभी जाके एक सिक्योरिटी गार्ड का जो है अच्छा एक क्वालिफाइड सिक्योरिटी गार्ड उसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो भी सिक्योरिटी गार्ड है एक इंकरेज होना चाहिए, उसके अंदर पे एक गुण होना चाहिए। वो क्वालिटी क्या है और क्या होना चाहिए क्वालिटी, तो इसके विषय में आज मैं जरूर बताऊंगा। जो हमारे जितना भी मेरे चैनल के माध्यम से जो जानना चाह रहा है, आज मैं उनको बताऊंगा हमारे सिक्योरिटी गार्ड के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए और क्या गुण होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उनके अंदर पे क्या है, एक ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी। ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। जब हमारे गार्ड ईमानदारी होंगे तभी जाके हम जो भी प्रीमाइसेस है उनको हम सेफ कर पाएंगे। ईमानदारी नहीं होंगे तो वो गार्ड चोर के साथ में शामिल हो सकता है, या खुद मतलब कि हमारा सामान जो है धीरे 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 करते हुए चोरी कर सकता है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा जो गार्ड है ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है अलर्ट। गार्ड जो है काफी जगह पे देखा जाता है कि 8 घंटे के ड्यूटी, 12 घंटे के ड्यूटी करते हैं ये लोग। उस टाइम पे हम जब देखता है कि सोया हुआ मिल जाता है। इसलिए मिल जाता है कि उनको हैबिट नहीं, तो इसलिए क्या है उनको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अलर्ट का मतलब क्या है, आप जब भी ड्यूटी पे जाते हो प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, आप सेफ्टी शू होना चाहिए, आपकी पैंट शर्ट आपको बेल्ट बांधा हुआ होना चाहिए, कैप होना चाहिए। जो रात का जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनके हाथ में टॉर्च लाइट होना चाहिए, लाठी होना चाहिए, एक विशेल होना चाहिए। ये सब जो है अलग अलग जो भी एक्टिविटी होता है उनके साथ लड़ाई करने के लिए, या अपना जो भी प्रीमाइसेस है उसको सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो टॉर्च लाइट के मूवमेंट कैसा करना है और आपका जो विशेल जो है कब उसका जो है बजाना है, लाठी का प्रयोग कब करना है, ये सब चीज जो है सिखाया जाता है। तो ये रात को जो भी ड्यूटी पे रहता है या डे में भी कहीं इंसर्जेंसी एरिया पे हो गया तो ये सब चीज दिया जाता है। कभी भी चोर आ सकता है, उसी दौरान आप अलर्ट नहीं है, आप शू पहना नहीं है, तो आप नंगे पाँव से आप भाग नहीं सकते हो। चोर तो क्या है उसका हैबिट है, उसको नंगे पाँव में भी भाग जाएगा अपने जान बचाने के। लेकिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं बिना शूज का जो है भाग नहीं सकते, तो इसलिए शू पक्का पहन के रखना है, ठीक है, ये चीज का ख्याल रखना। और नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस। आपका जो फिजिकल फिटनेस होना बहुत जरूरी है। सुबह जैसे होता है थोड़ा सा रनिंग वनिंग भी करना बहुत जरूरी है,
और दूसरा आपको हाइजीन से भी अपना शरीर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। कहीं से भी पानी मिल गया, पिया, खाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। धूप ज्यादा निकल रहा है तो पानी पीना चाहिए, अच्छा पानी लीजिए, आरओ का पानी पीजिए। हर जगह पे हमारा जो है आरओ चलता रहता है कंपनी में, तो वहाँ का पानी जो है पीजिए, आपका अच्छा रहेगा। तो गलत चीज मत खाइए, बाजार से खरीद के जो फास्ट फूड वगैरह जो खाता है, ये गलत चीज मत खाइए। गलत चीज खाने से क्या होता है, आपकी शरीर जो है साथ नहीं देगा, कभी डिसेंट्री हो सकता है, कभी बुखार आ सकते हैं, कभी शरीर में दर्द पेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज जो है आपके खान पान से लेकर, आपकी एक्सरसाइज से लेकर ये चीज जो है शुरुआत होती है। तो इसलिए आपके फिजिकल को भी देखना बहुत जरूरी है, एक तो मेंटली चीज। मैं देख रहा हूँ कोई कोई जितने भी गार्ड है, कुछ गार्ड है, मैं देख रहा हूँ कुछ गार्ड ऐसा है कि मेंटलिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, अपने घर की तरफ से मेंटलिटी हो सकता है, या कोई मोबाइल से, मतलब कि ये हैबिट खराब हो गया, बार बार मोबाइल को देखता रहना, तो ये सब चीज जो है मेंटलिटी कुछ रहता है, बातें करने से क्या चिड़चिड़ावट रहता है, ये सब मेंटली जो है नहीं होना चाहिए। जब ड्यूटी पे जब आता है तो प्रॉपर अपना माइंड फ्रेश होके ड्यूटी होना चाहिए। तो घर का जितना भी झगड़ा होती है या ड्यूटी लोकेशन पे आके ये चीज जो है बार बार सोचते रहना नहीं, घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई कुछ हो गया, तो यहाँ से सोचने से काम नहीं बने। आपको छुट्टी जाना है, छुट्टी जाइए, लेकिन ये मत कीजिए आपकी सोचते रहने पर कौन आया कौन गया, ये चीज जो है पता होना आपको बहुत जरूरी है। पंचुअलिटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक आपका बेसिक है, ये आपका एक बहुत बड़ा एक सिस्टेमिटी है हमारा जो है सिक्योरिटी गार्ड के अंदर पे पंचुअलिटी जो रहना। पंचुअलिटी, आप ड्यूटी आ रहे हो, 15 मिनट पहले आप पोस्ट पे आइए, वहां पे आपका हैंडिंग टेकिंग करना है, सुपरवाइजर का ब्रीफिंग लेना है, ये सब चीज भी होना है। डायरेक्ट आप वहां पोस्ट में आके खड़े मत हो जाइए, आपकी जो कार्रवाई है प्रॉपर कीजिए। जो दिन का जो भी गार्ड होगा, आज के दिन में क्या हुआ, क्या लेके गया, क्या नहीं लेके गया, कौन आया कौन नहीं आया, ये सब चीज जो है उनको पता रहता है। उनके साथ में एक हैंडी टेकिंग होना भी बहुत जरूरी है। ये सब चीज नहीं लेता है तो आपको मुश्किल पड़ सकता है। और सुपरवाइजर का ब्रीफिंग डेली सुनना चाहिए। सुपरवाइजर क्या है, आज क्या हुआ, कल क्या होने जा रहा है, उनके लिए भी आपको गाइड करता है। तो इसके लिए क्या है, आपको थोड़ा समय से पहले निकाल के आइए, ब्रीफिंग लीजिए ड्यूटी से पहले, और फिर ड्यूटी पे जाइए, आपकी ड्यूटी बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होके ड्यूटी दे। और नेक्स्ट बहुत अच्छा पॉइंट है ये, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गार्ड का जो है डिसिप्लिन बहुत अच्छा होना चाहिए, उनका हायर कार्ड अच्छा होना चाहिए, दाढ़ी मूछ वगैरह जो है प्रॉपर शेविंग किया होना चाहिए, मूछ जो है अच्छी तरह से क्या ड्रेसिंग करना चाहिए, दाढ़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छा एक डिसिप्लिन के साथ में ड्यूटी पे खड़े होना। आपकी जो कपड़ा जो पहन रहा है साफ सुथरा होना चाहिए, आप आयरन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन साफ सुथरा कपड़ा पहने, बेल्ट प्रॉपर तरीके से पहनी, शूज जो है आपका जो है बिल्कुल शाइनिंग होना चाहिए, पॉलिश मारना चाहिए, जितना आप पॉलिश मारोगे उतना ही शूज जो है शाइनिंग देगा। तो मैं चाहता हूँ डिसिप्लिन के सेक्टर में आप बहुत अच्छा एक करके दिखाना है, तभी जाके एक अच्छा एक सुरक्षा गार्ड जो है हो सकता है। डिसिप्लिन में एक तो ये हो गया सेल्फ, दूसरा हो गया पोस्ट डिसिप्लिन। जिस जगह पे आप ड्यूटी करते हो उस पोस्ट में भी एक डिसिप्लिन होता है, जहाँ पे आपके टेबल है, आपका रजिस्टर है, आपका फाइल है, ये सब चीज जो है सही ढंग से रखना है, फाइल सही ढंग से रखना है,
रजिस्टर सही ढंग से रखना है, ये सब अच्छी ढंग से रख के आप जब काम करते हो कोष को साफ सुथरा रखना है, ये भी एक कोष का डिसिप्लिन है। आपको खुद के डिसिप्लिन के साथ कोष का डिसिप्लिन भी अच्छा रखना है, तभी जाके आपको दूसरा कोई भी देखेगा तो ये बहुत गर्व महसूस करेगा। और सिक्योरिटी गार्ड विजिबल रहना भी बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी गार्ड क्या है? सिक्योरिटी गार्ड जो है विजिलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। विजिलेंस का मतलब ये है कभी भी आप ड्यूटी में खड़े हो जाते हो, दाएं बाएं चाय पीने के लिए चले जाते हैं, फिर उसके बाद में आपको सिगरेट पीने के लिए चले जाते हो, कभी पेशाब करने चले जाते हो, कभी टॉयलेट करने निकल जाते हो, तो ये सब चीज जो है मूवमेंट जो है ड्यूटी के दौरान कम करना, क्योंकि ये ड्यूटी के दौरान आपकी आंख जो है कान जो है बिल्कुल चौकन्ना होके ड्यूटी करना, इसलिए कि आपकी गेट से कोई आ रहा है कोई जा रहा है कोई कुछ सामान लेके गया है आपकी नजर पे होना चाहिए। गेट में से कुछ भी सामान लेके जाता है आते हैं तो उसको निगाहें रखना आपका जिम्मेवारी। और ये भी है आपको गेट में ड्यूटी कर रहा है तो गेट को ही देखना नहीं है, और आगे पीछे लेफ्ट राइट में भी जो भी आपके साथ में जो बाउंड्री है, या गेट से पीछे हो सकता है आगे हो सकता है लेफ्ट राइट हो सकता है, आप जहां तक दिन में दिखाई देता है वहां तक आपकी जिम्मेवारी। कुछ भी कहीं अच्छा होने पर या होने जा रहा है तो आपने रोकना है, तो ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोएक्टिव क्या है? ड्यूटी तो सभी करता है, एक्टिव ड्यूटी करता है। कभी भी हम पूछता है कि हाँ भाई कैसा ड्यूटी चल रहा है? बहुत अच्छा ड्यूटी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। प्रोएक्टिव ऐसा है आपको बढ़ चढ़ के नौकरी करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जो है आप काम कर रहे हो या ड्यूटी कर रहे हो तो उस ड्यूटी में क्या है कुछ बढ़ चढ़ कर, किसी ने कुछ सामान रख दिया है यहाँ पे तो पूछना आपका फर्ज बनता है, ये किसका सामान है, क्या है, क्या रह गया है, तो उनको वापस दिलाना आपका फर्ज बनता है। जो सामान रह गया या किसी ने गलती से छोड़ा हुआ है उनको पार्ट से निकल के एड्रेस निकल के या कहीं से कनेक्शन करके उसको रिटर्न जो करते हैं वापस दिलाता है उसकी जो जिसका सामान है तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। हर आदमी ऐसा नहीं करता, तो प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल ऐसा है, कम्युनिकेशन स्किल जो है चार प्रकार की होती है। वर्बल, एक दूसरे के साथ में जो बातचीत करते हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड में बहुत सी कमी पाया जाता है, किसी का बॉडी लैंग्वेज सही नहीं रहता है, किसी का बातचीत अच्छा नहीं रहता है। सिक्योरिटी गार्ड जितने भी है हमारे ज़्यादातर गांव एरिया विलेज एरिया से ज़्यादातर आते हैं, तो इनको ये कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। ऑफिसर आ सकता है, एक हाई प्रोफाइल के आदमी आ सकता है, मीडियम प्रोफाइल के आदमी आ सकता है, और एक लो प्रोफाइल का भी आदमी आ सकता है, तो इनके साथ में किस तरीके से बातचीत करना है, जॉब लोकेशन पे आपके लेबर के साथ कैसा बातचीत करना है, स्टाफ के साथ कैसा बातचीत करना है, ये सब अच्छी ढंग से सीखना चाहिए। एक सीनियर के साथ किस तरीके से रेस्पेक्ट करना है, बातचीत करना है, वो आना चाहिए, तभी जाके क्या है आपको हर एक नज़र में आएगा आपके अच्छा बादशाह से। तो नेक्स्ट हो गया नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब क्या है? आप लोग जब भी बात करते हैं कोई इंटरकॉम रहता है, इंटरकॉम में जैसे आपको टेलीफोन आ गया तो गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, इसी तरीके से क्या है बातचीत अच्छा स्टार्ट करना है। और आपका जो वॉकी टॉकी जो दिया है, वॉकी टॉकी जो है किस तरीके से इस्तेमाल करना है, उसका बातचीत अच्छा आना चाहिए, ये सब नॉन वर्बल में आते हैं। स्किल क्या है? राइटिंग स्किल, आप जो लिखते हैं
किसी का कुछ अच्छा हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो इंसिडेंट रिपोर्ट बनाना आना चाहिए। दूसरा, आपका कोई भी सामान मटेरियल इन आउट होता रहता है, तो इनको अच्छी ढंग से रिसीव करना आना चाहिए, आउट करना आना चाहिए। आपकी राइटिंग जो है अच्छा क्लियर होना चाहिए। किसी को एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ या इंसिडेंट रिपोर्ट बना रहा है, तो क्लियरिटी आना चाहिए। इसको कहते हैं हम लोग राइटिंग। और लास्ट है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब ये है, कभी भी हम लोग कुछ भी अच्छा होने पर वीडियो कॉल करता है, तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अच्छा आना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आना चाहिए। ये सब जितना भी सिक्योरिटी गार्ड है, ये सब आना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा एक ड्यूटी कर सकता है। ये जब तक स्किल नहीं होगी और ये सब चीज जो है क्वालिटी नहीं होगी, तब तक आप अच्छी ढंग से ड्यूटी नहीं कर पाओगे। जो चीज मैंने बताया हूँ, इनका क्वालिटी आपके अंदर है, तो आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए काबिल है। आप सिक्योरिटी गार्ड जो ऐसा मत सोचिए, सिक्योरिटी गार्ड जो है, हर आदमी सोचता है सिक्योरिटी गार्ड जो है बहुत नॉर्मल एक जॉब है, लेकिन बहुत चैलेंजिंग जॉब है। मेरा कहना मान लीजिए, ये बहुत चैलेंजिंग जॉब है। इसके अंडर पे बहुत क्वालिफाई होना पड़ता है, तभी जाके एक सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं। सिक्योरिटी गार्ड 8 घंटा ऐसे खड़े होकर ड्यूटी करने से सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनते हैं। 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद या ऐसे खड़े रह के ड्यूटी करने से, आपकी टाइम पास करने से सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते। सिक्योरिटी गार्ड उसकी गुण होना चाहिए, उसकी क्वालिटी होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके एक सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं। थैंक यू। मेरा वीडियो जो है अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और नया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा एजुकेशन चैनल है। एजुकेशन चैनल जो है बहुत कम आदमी देखते हैं, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है। एजुकेशन चैनल जो है ये हमारा लाइफ के लिए। नाच गान वाला चैनल तो बहुत आदमी देखता रहता है, गाना सुनता है या किसी का डांस करते हुए देखता है, सोशल मीडिया में आजकल बहुत ज्यादा देखता रहता है, लेकिन मैं मना नहीं करूंगा, देखिए। लेकिन हमारा जो एजुकेशन चैनल जितना भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसलिए ध्यान दीजिए, आपका लाइफ में भी इसी का कुछ सपोर्ट आपको मिल सकता है। इसी के साथ में आज ये चैप्टर मेरा क्लोज कर देता हूँ। जय हिंद।